अगर एक भी अब कोई अब एक कोई पत्थर मारेगा ना, उसको सारे हिंदू मार काट के फेंकेंगे। बयान गलत है, ये बयान गलत है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। श्री राम मंदिर बन गया तो इनको अब आर्मी रूल चाहिए, अब आर्मी रूल नहीं होगा। आपने तो दो चीज भी तो किया ना, आपने तो वो दो चीज भी नहीं किया ना। हेमंत सोरेन को दबा रहे हैं, वो केजरीवाल को दबा रहे हैं, नीतीश कुमार को दबा रहे हैं, ममता बनर्जी को दबा रहे हैं। मैंने जब से आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, मैंने उस समुदाय का नाम ही नहीं लिया। मतलब हम तो लेंगे, हमें तो उनसे दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी है, और हम उनको अगर एक भी अब कोई पत्थर मारेगा ना, उसको सारे हिंदू मार काट के फेंकेंगे। मैं खुलेआम चैलेंज दे रही हूं। नहीं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं जो कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया है, ये धर्म विशेष को टारगेट करके बयान देना नहीं होता। ये बयान गलत है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आप लीडर हो, हम मीठा मीठा बोलने वालों में नहीं है, हम मीठा मीठा बोले, बिल्कुल आर्मी रूल नहीं होना चाहिए। अब किसी में जब तक इतने साल ये 70 साल ये लोग राज्य 70 साल ये लोग राज्य करते रहे, नहीं आप मेरे फादर आपकी बात नहीं कर रही, 70 साल विपक्ष ने राज किया, किसी ने आर्मी रूल नहीं मांगा। आज 9 साल से मोदी जी कर रहे हैं, श्री राम मंदिर बन गया तो इनको अब आर्मी रूल चाहिए, अब आर्मी रूल नहीं होगा। अब तो जो जैसा बोलेगा, अब हर हिंदू उनको पत्थर मारेगा, पत्थर की बात पे आवाज पत्थर के रूप में इनको जवाब देगा। आर्मी का रूल आना नहीं, मैं तो उसके नहीं हूँ, कम से कम गवर्नमेंट में तो एक तो होना, आर्मी रूल तो वो नहीं होगा ना, गवर्नमेंट में तो आना चाहिए ना मोदी। क्यों, राहुल गांधी भी युवा हैं, आप भी युवा। राहुल गांधी जी क्या किए बताइए, युवा हैं। युवा से क्या होता है, युवा से नहीं होता है, युवा से कुछ नहीं, युवा तो कोई भी, युवा से होने से वो मंत्री सीएम पूरा देश चलाना है ना, सिर्फ आपको युवा पर। राहुल गांधी ये कह रहे हैं मोदी जी 60 साल के हो गए, वो युवा है, तो आप बताओ पप्पू अखिलेश ये सब युवा है 50-55। आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने आप राहुल जी का नाम लिया कांग्रेस की वजह से, बोलिया नाम लिया ना कि कांग्रेस के नेता है, वो युवा है और कांग्रेस के नेता है, ठीक है, जोड़ो यात्रा। अच्छा ठीक है, जोड़ो यात्रा सब निकाल रहे, सब अग्रीड हो, ठीक है। जब इतने सालों से आप नेता मंत्री थे तो आप दोनों को देखिए, पहलू को देखिए आप, कि इन्होंने तो दो चीज भी तो किया ना, आपने तो वो दो चीज भी नहीं किया ना, ये जो कर रहे आपने क्या किया, आप हमें आप गिनाइए ना, जो आप गिनाइए हमें कि राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, और 70 साल में कांग्रेस ने क्या था, उन्हीं को मोदी जी बेचने में लगे। शौचालय बना दिए, मोदी जी की नीति काम कर रही है, मोदी जी को छोटे छोटे काम क्या था कि उन्होंने देखा, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, उन्होंने अपने गांवों में देखा कि यार लेडीज शौचालय में जाती है, कितने शर्म की बात है, सड़क पे जा रही है, रात को जाएंगी रोक के बैठे, टॉयलेट रोक के बैठे, अब उनकी नीतियां काम करी है, कितने शौचालय बना दिए, तो क्या लेट। हाँ मैं वही कह रही हूँ बात, अगर मोदी जी से अच्छा करने वाला कोई नेता आएगा तो मैं मोदी जी को हटा करके दूसरा नेता रखूंगी, लेकिन राहुल गांधी मोदी जी के अगेंस्ट में नहीं खड़ा होने लायक है। नहीं, दिल्ली का बेटा तो है ना केजरीवाल साहब, अच्छा करे कह रहे दिल्ली चमका, केजरीवाल जी खड़े हो, बिल्कुल खड़े हो, मैं तो कह रही हूँ केजरीवाल जी को पीएम की जगह पे आप खड़े कीजिए, मैं वोट दूंगी उन्हें, दावेदारी करें ना कि गठबंधन के नेता, तो आप खड़े तो पहले उसमें खड़े तो कीजिए आप ना पहले। 2014 तक देश का जो कर्जा था वो सिर्फ 55 लाख करोड़ का था, और मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में वो 85 लाख करोड़ का हो गया, मतलब 67 साल में जो पार्टी रही उनका 55 लाख करोड़, और जो 10 साल में अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 85 लाख करोड़ का। राघव चड्ढा की स्टेटमेंट है लोकसभा में ये कि 85 लाख करोड़ 10 ईयर और 55 लाख करोड़ सिर्फ 67 साल में, कितना लंबा टाइम और कितना छोटा टाइम और कितना बड़ा। प्रधानमंत्री किसको देख रहे, प्रधानमंत्री हम मल्लिकार्जुन खड़गे को बना सकते हैं, नीतीश प्रधानमंत्री तो कोई एक बनेगा ना इसमें, सकते हैं कार मल्लिकार्जुन खड़गे को बना सकते हैं, खड़गे को बना सकते हैं। मोदी जी से ज्यादा करने वाला बंदा लाइए, मैं मोदी जी को तो बिल्कुल हटा दूंगी, मैं यही तो कह रहे कि मोदी जी के चक्कर में कोई नाम ईमानदार और कर्मश आदमी है। राहुल गांधी क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, अरे वो कुछ नहीं जोड़ रहे, वो सिर्फ जोड़ने में दिखना चाहिए ना, क्या जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। की बात कही थी 2 लाख भी नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन उसमें से कोई कुछ कर रहा है, उसमें से कोई कुछ कर रहा है, तो उसको वही उसी को ना सपोर्ट करोगे आप। आपको अगर मैं पूछूं मोदी जी के टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, एक चेहरा नाम, मेरी तरफ से फर्स्ट चॉइस होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, गांधी जी को कहाँ भेजेंगे, नहीं राहुल गांधी को तो जो चार्ज मिला हुआ है, जो लोगों को बनाने का, पार्टी को जोड़ने का, आप योगी जी को लाइए ना पीएम के पक्ष पर, मैं वोट दूंगी योगी जी को, मोदी जी के बाद योगी, एकदम बिल्कुल दूंगी, वो भी एक वो बंदा है देश चलाने वाला।
चाय पियो आप। वो बंदा देश चला सकता है योगी जी, बिल्कुल बाबा देश नहीं चला रहे। बाबा क्या होता है, जो यूपी जैसी सिटी को, जो इतनी भौकाली सिटी जब उसको चला सकता है, उसको चला सकता है इंडिया क्या है? यूपी जैसा खराब, वहाँ पे मार काट सब चीज यूपी। आज तक जो भी नेता था यूपी में क्यों नहीं क्राइम रुकता था हर चीज का? आज कैसे लिखा प्रधानमंत्री जी, अनपढ़ नहीं चाहिए, अनपढ़ नहीं चाहिए, पढ़ा अच्छा मोदी पढ़ा लिखा नहीं होता। देश चलाने के लिए क्या जरूरी है मैटर, उसके आपको कितनी नॉलेज है वो मैटर चलता है। भी मैडम हो, कोई भी जेंट्स हो, सीट पे बैठने के बाद सबको समझ आती है। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी नहीं है भैया। दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट और क्या कहते हैं टेम्प्रेरी। जब तक टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव ना हो ना तो कुछ नहीं हो पाएगा देश का। केवल आयो सर आईपीएस नहीं करते हैं, राज्य में टिकट देते हैं गुंडो आदमी को, वो भी तो राज्य चलाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, पीडब्ल्यूडी का विकास मिलता है उनको, फाइनेंस का मिलता है, राजस्व विभाग मिलता है। कांग्रेस से बीजेपी को टक्कर 10 लाख रुपए नहीं, नेशनल पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही किसी को टक्कर दे पाएगी, अदरवाइज और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं दबा सकते, बाकी सबको दबा सकते हैं। हेमंत सोरेन को दबा रहे हैं, वो केजरीवाल को दबा रहे हैं, नीतीश कुमार को दबा रहे हैं, ममता बनर्जी को दबा रहे हैं। मतलब जितनी रीजनल पार्टी है सब पे छापे मरवा के वो उनको दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं दबा सकते। नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश, वो तो खुद बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना ना रीजनल पार्टी में गुस्सा निकाल रहे हैं, बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं कर रहे, आपको लग रहा है वो तो सियासी जो हल चले ना, वो जो माहौल बना रखा है वो। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ ना थे परमानेंट, ना कभी रहेंगे, वो समय के हिसाब से जब उनको ज्यादा छापे मारे जाते हैं दबाव जाए। नीतीश कुमार को मौका मिले ना, एक मिनट सुन लीजिए, तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर नीतीश कुमार को मौका मिले तो पलटी मार के पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री, बिल्कुल नहीं हो सकता। नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए आदमी, जब उनको ज्यादा परेशान करते हैं, ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। क्या बोला था, सबको दिख गया कितने सुलझे हुए आदमी है वो? विधानसभा में ऐसा एजुकेशन देते हैं क्या विधान को? उनको क्या कहाँ पे क्या बोलना पता ही नहीं है। तो बीजेपी के साथ अलायंस था नीतीश कुमार का, देखो गए ना उधर वो, अब वो अपने हिसाब से चलते हैं। नीतीश कुमार एक बहुत ही ना समझदार सुलझे समझदार इंसान है कि विधानसभा में खड़े होके इधर से निकालो उधर डालो, तो वो तो हर सरकार करती है, बीजेपी ने नहीं करा, बीजेपी ने नहीं करा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 22 आदमी, तो सवाल क्या आपको समझ में आया? दोबारा रिपीट करिए आप। विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार जी कहते हैं ऐसे डालना है, ऐसे निकालना है पानी बात। वो तो बहुत से राजनेता फेमस होने के लिए ऐसी बात कह ही देते हैं, बहुत से राजनेता कहते हैं फेमस होने के लिए कुछ भी। एक मिनट मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ। अमित शाह जी ने ये लोकसभा में कहा था कि पकौड़े और चाय बेचना भी रोजगार होता है, तो जब अमित शाह एक आदमी हमें करके पकौड़े बेचेगा चाय बेचेगा, आप अपने बच्चे से पकौड़े बिकवा लोगे चाय बिकवा लोगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? एमए करने के बाद आप पकौड़े बिकवाओगे अपने बच्चे से, ओला चलवाओगे? क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता। कितने पढ़े लिखे? मैंने एमए कर रखी है, कुछ भी नहीं। कितने फार्म भरे आप? नहीं, एक भी नहीं भरा। रोजगार कैसे नहीं तो हम रोजगार की तरफ भागते नहीं ना। वेट करो, हम रोजगार भरते नहीं, हम अपने काम को खुद देखते हैं, रोजगार देते हैं, रोजगार देते हैं नाम सक्षम है नाम, तो फिर बेरोजगारी का। और आई डोंट बिलीव कि सरकार हमें कुछ देगी, हम अपने ऊपर और गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, हम नहीं सरकार के ऊपर बिलीव करते, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी, चाहे बीजेपी का मुद्दा क्यों? तो इसलिए उठा रहे ना कि हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान, वो तो सरकार ही देगी ना आपको बेरोजगारी रोजगार, ये सरकार ही ना देगी, उसके भगवान थोड़ी आगे देंगे, वो तो सरकार देगा। वही उम्र कितनी हो? 27 27 की उम्र में आप बहुत से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और क्या विकास चाहिए? नहीं तो जो बाकी लोग हैं उनको भुखमरी मरने दे, जो बहुत सारे नौजवान धक्के खा रहे हैं, एमए करे हुए एमबीए करे हुए, उनको चाय की बेचने की नौकरी नहीं मिल रही है, चाय के 27 साल का लड़का और 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, इससे बड़ा क्या चाहिए? हम 2 करोड़ थोड़ी लोगों को दे सकते हैं, हम कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है, और भी तो युवा तो और जैसे भी तो परेशान घूम रहे हैं, हमारे पीछे तो कोई जैक लगाने वाला है? 70% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, एमबीए करे बंदे मैकडी में काम कर रहे हैं, हमने खुद उनसे बात करी है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी के लोग परेशान है, केवल कांग्रेस के लोग परेशान? वो अपने लोगों को भरती है ना, दूसरे लोगों को नहीं भरती बीजेपी। किसको भरती भाई? कांग्रेस अपने को भरती थी, उस देख लो कांग्रेस का जमाना, सारे काम होते थे उस जमाने में, नौकरियां मिलती थी। मैं ट्वेल्थ पास हूँ, चलाती हूँ। आप करने के काबिल बनो तो सही, मेहनत तो करो, मेहनत करोगे कैसे नहीं सक्सेस होगे? मुझे लगा था कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, आप सिर्फ सरकार उम्मीद लगा, अच्छा मुझे ये सरकारी नौकरी लग जाए, मुझे ये हो जाए, मैं कुछ मेहनत ना करूं, मुझे आराम से मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ता है ना, आप मेहनत करो नहीं सक्सेस आपके पास आएगा तब बोलना। पढ़ा लिखा कोई पकौड़े थोड़ी ना चलेगा, हर कोई आपकी तरह टूर एंड ट्रेवल्स थोड़ी ना चलेगा। नहीं हर कोई, अब किसको क्या चलाना है, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, पढ़ा लिखा बड़ा छोटा, आप उसी में एफर्ट लगाइए, आप उसमें एफर्ट लगाइए, उसके लिए सवाल करिए कि आपको ये चीज के लिए आप निकालिए, आप मेहनत करिए,
अब 100 आईएएस की नौकरी निकल निकलता है, प्रोफाइल 1000 निकलता है, उसमें से 10 लोग की नौकरी लगती है ना। भैया कह रहे थे कि खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी जी को टक्कर दे देंगे। मोदी जी को टक्कर दे देंगे, अब उनके अकॉर्डिंग देते होंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं देते।